ये तेरी हो गई। नमस्ते भैया। ये कौन सी कचौरी रहती है अपनी भैया? आलू और मैदा रहता है। आलू और मैदा वाला, और ये सब्जी रहती है साथ में। अच्छा, कचौरी रहती है बिना प्याज लहसुन। हींग की कचौरी बिना प्याज लहसुन की, तो वहाँ बन रहा है कचौरी? चलिए एक बार हम आपको कचौरी भी दिखा देते हैं। हो गया आटा रेडी? तो ये देखिए, यहाँ पर जो मैदे का पेड़ा है काट करके रखा गया है, और इस तरीके से इनके किचन में देखिए कचौड़ियाँ बनाई जा रही है। भैया कितने बजे से दुकान चालू हो जाती है? 6 बजे खुलती है, 7 बजे से रेडी। अच्छा, सुबह 6-7 बजे से चालू, और कितने बजे तक रात को रहते हैं? 7 बजे तक। 7 बजे तक। अच्छा, तो भाई देखिए यहाँ पर कचौड़ियाँ रेडी की जा रही है, अभी वहाँ फ्राई होगी, उसके बाद हम दिखाते हैं और कैसे फाइनल ये प्लेट के अंदर लगा करके दिया जाता है। भाई इस तरफ तो भाई देखो, अब यहाँ पर जो कचौड़ी है वो फ्राई की जाएगी ऑयल के अंदर। यहाँ पर जो कचौरी है लगनी शुरू हो चुकी है प्लेट के अंदर। तो भैया ये एक प्लेट का क्या रहता है? 25 रुपीज। और कितना साल हो गया है अपना आपकी दुकान को भैया यहाँ पे? ये भैया हम चौथी पीढ़ी में है। चौथी पीढ़ी? दादाजी के नाना जी ने खोला था। और क्या क्या डाला गया एक बार बताइए हमें। गुड़ की चटनी है, ये भी गुड़ की, हींग की चटनी। अच्छा, ये तीखी चटनी जी। और ये छोले कौन से? चने हैं, देसी चने। अच्छा, तो क्या समय रहता है अपनी दुकान का सर? 7 से शाम को 7 बजे। अच्छा, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक 12 घंटा रहते हैं। तो भैया किसी को अगर ये कचौरी आपकी हींग वाली खानी हो तो कहाँ आना रहेगा, एड्रेस बताइए। बस चौक आ गई है। चौक? हाँ। अच्छा, उसके बाद? पहले हम हमारा कचौरी खाएंगे, उसके बाद बाबा के दर्शन कर लेंगे। अच्छा, मतलब मंदिर वाले रास्ते में? बस बस, मंदिर से 100 मीटर पहले हम हैं, 100 मीटर बाद में बाबा। अरे क्या बात है। अच्छा, एक प्लेट पैक कर दें भैया। हर हर महादेव। जलेबी ले लीजिए।
जलेबी, जलेबी बन रही है भाई, बेकार हो। हाँ मतलब यहाँ पे जलेबी भी उसके साथ मेन है, कचौड़ी थोड़ी जलेबी बनारस का वो है मतलब। तो बनारस में मतलब ये है, जलेबी बनाते हैं पूरे बनारस में नहीं मिलेगी। अच्छा तो यही बन रहा है क्या जलेबी? ओ भाई साहब, ये खोए की जलेबी बनाते, वो एक ही जलेबी जो खोया आता है दूध वाला। अरे भाई साहब, चलिए एक बार हम आपको करीब से दिखा दें। तो भाई ये देखिए, ये खोया है दूध का, और ये किसके अंदर डाला जा रहा है भाई? ये जलेबी की मदानी होती है जी, जलेबी का बेस है ना। हाँ। तो ये देखिए इस तरीके से भाई, आपने कभी जलेबी खाई हो तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये बनारस है, यहाँ पर देखिए खोए की जलेबी बन रही है। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये जलेबी खोए वाली, और जो इसके साथ लोग यहाँ पर खाते हैं। चाशनी है क्या भैया? एक बार दिखाइए हमें। तो भाई देखिए, ये है यहाँ की फेमस जलेबी। आज तक आपने इंडिया के किसी कोने में ऐसी जलेबी नहीं खाई होगी, लेकिन यहाँ मिलती है ऐसी जलेबी, और सिर्फ बनारस में इसी दुकान पर आपको मिलेगी ये जलेबी। तो सर मुझे बताइए, जलेबी किस तरीके से खाया जाता है, मतलब इसके साथ कैसे रहता है? कचौड़ी के साथ मीठा किसी को चलता है वो। अच्छा, मतलब पहले कचौड़ी खा लिया जाता है, ज्यादा पुराना नहीं है ये, हमारे पिताजी ने इसको बताया है। अच्छा, ये हो गया 6-7 साल हुआ है इसको बनाते हुए। अच्छा, अब पहले जब कचौड़ी गली में हमारा दुकान था, उस समय मिलता था बेसन का लड्डू और सूजी का हलवा। अच्छा जी, तो वो दादा उदा ने बनाया था, अब वो सब हम लोग नहीं कर पाएंगे जो वो बनाए थे, इसलिए पापा ने खोए का जलेबी नया इस्तेमाल बनाया। अच्छा जी, और लोगों को अच्छा लगा इसलिए हमने बनाना चालू करा। क्या बात है। तो गाइज, आप लोग भी कभी बनारस आए भैया के पास जरूर आए याद से, और ऐसी जलेबी जरूर खाइएगा इस कचौरी के साथ। एड्रेस बाकी हम स्क्रीन पर दे देंगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले सफर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देख लीजिए इनका पूरा नाम, गौरी शंकर कचौरी वाले भैया। हेलो भैया, नमस्कार सर, कैसी लगी इनकी कचौरी आपको? तो आप बनारस से ही हैं? रोज खाया जाता है, हफ्ते में किसी दिन जब मन आता तब खा लेते हैं। तब खा लेते हैं। चलिए धन्यवाद।